मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के फटाफट खबरों की। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने कथावाचन करने आए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को नोटिस थमा दिया है। 7 मई से 3 दिन तक अंबरनाथ इलाके में इनका दरबार लगा हुआ है, मगर वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी और अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति ने पुलिस को लिखित में पत्र दिया था कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कोई ऐसा बयान न दे जिससे कानून व्यवस्था पर समस्या पैदा हो, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें नोटिस थमा दिया है। ठाणे के उपवन तालाब में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। महिला की पहचान सुलोचना विठल खोचर के रूप में हुई है। घटना स्थल पर सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई और तालाब से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ठाणे के वागले स्टेट में एक्सिस बैंक के ATM को लूटने आए एक आरोपी को श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम प्रकाश शिंदे है, जो नेहरू नगर इलाके में रहता है और पुलिस इससे आगे की पूछताछ कर रही है। मुंबई में दो चोरों ने पेड़ के सहारे इमारत की 4th मंजिल पर डकैती डाली, लेकिन CCTV की मदद से दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनसे आगे की पूछताछ भी की जा रही है। मुंबई के घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड के पास सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक की लाश मिली है, जिसके शरीर पर हथियार से कई जगह पर वार के निशान है। मानखुर्द पुलिस को इसकी सूचना एक राहगीर ने दिया था और मृतक युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है और पुलिस ने इस पर गुनाह दाखिल कर मामले की जाँच में जुट गई है। नवी मुंबई में एक कारोबारी की कथित तौर पर अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया है कि कलंबोली इलाके में जसपाल सिंह अपने कुत्ते को सुबह के वक्त गार्डन में लेकर घूम रहे थे, तभी कुछ हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे कर रही है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहाँ शादी समारोह में शामिल होने पहुंची 7 साल की मासूम से कुछ दरिंदों ने रेप किया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। हैवानों ने मासूम के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या की, बल्कि उसकी दोनों आंखें भी फोड़ दी थी और शरीर पर कई जगह पर धारदार हथियार से वार भी किए थे। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तालाग्राम इलाके की है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया और इसका वीडियो भी बना लिया गया। वीडियो के सहारे लड़की को दोनों आरोपियों ने फिर बुलाया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस में जब इसकी शिकायत की गई तो पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे मामले की तफ्तीश कर रही है। नकली नोट बनाने के मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों नकली नोट यूट्यूब से जानकारी लेकर छापना शुरू किए थे। पुलिस ने इनके पास से कलर प्रिंटर बरामद किया है, जिससे ये नकली नोट छापते थे और 6,000 रुपये भी नकदी बरामद की है, जो नकली नोट है। सांड की सवारी करने वाले शख्स को अब पुलिस तलाश रही है। आपको बता दें कि सांड की सवारी करने वाला ये युवक, जिसका नाम नागेश है, वीडियो ऋषिकेश के तपोवन की बताई जा रही है, जहां सांड के ऊपर बैठकर सड़क पर ये दौड़ लगा रहा था। हालांकि इस दौरान हादसा भी हो सकता था। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है।